हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से फिश फ्राई बनाना या फिश कुरकुरे की रेसिपी। तो दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फिश फिलेट्स, जो आप लोकल वेंडर से भी ले सकते हैं। उससे आप कह दीजिए कि हमें स्किन और जो भी उसमें काटा रहता है वो निकाल के दे दें, तो वो बना देते हैं लोकल वेंडर्स। और अदरवाइज आप जो बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें फिश फिलेट्स के नाम से मिलता है। उसके अलावा आपको चाहिए मैदा और आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर, इससे हम बैटर बनाएंगे। उसके अलावा उसकी कोटिंग करने के लिए आपको चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। फॉर टेस्ट आप उसमें ऐड करिए सॉल्ट एंड पेपर, जो भी आपको चिली चाहिए, चिली या ब्लैक पेपर चाहिए तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन वी नीड ऑयल फॉर डीप फ्राइंग, ठीक है? तो ज़्यादातर हम कच्ची घनी ही यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं फॉर फ्राइंग के लिए। आपका जो भी टेस्ट हो आप उसके हिसाब से ऑयल ले सकते हैं फॉर डीप फ्राइंग द फिश। तो ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो अब आप इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिए। ये फिश जो है इसको हम लोग धो रहे हैं। किसे दिखाएंगे? हाँ, ये देखिए, ये जो फिश है ये काफी साफ सुथरी है। इसको कांटा भी निकाल के इसको बनाया गया है। और ये जो फिश वेंडर होता है ये ऐसे ही देता है, कांटा निकाल के और उसकी स्किन निकाल के दे देता है। तो इसको अच्छे से आटा डाल के धोना होता है। आटा बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कपड़ों के लिए डिटर्जेंट होता है, वैसे ही फिश और चिकन के लिए आटा होता है। बिल्कुल इसको आप लगा के थोड़ी देर को, हाँ, पूरी स्मेल गायब हो जाएगी। इसको थोड़ी देर लगा के रख दीजिए और फिर आप पानी से धो दीजिए। दोनों पैकेट का ले लिया? जी हाँ जी। तो ये देखिए, ये फिश में हमने आटा लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर में अच्छे से धो लेंगे। हम थोड़ा मैदा ले लेंगे। ये हम वो आउटर कवरिंग बना रहे हैं जिसमें हम फिश को लपेटेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे, ठीक है? तो ये हिसाब से जितनी भी आपके पास फिश है उतना आप मैदा ले लीजिए। और इसमें आप, लेट्स से आपने 1 कप मैदा लिया है तो आप इसमें हिसाब से कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है। कितना, 2 चम्मच डालेंगे? 2 चम्मच डालेंगे, दो ज्यादा है चम्मच ना चिकन? भर के, फिश ज्यादा है तो आप 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर उसमें डाल लीजिए। ये कवरिंग के लिए है। और फिर हम इसमें मसाला डालते हैं। देखिए, लाल मिर्च डाल ली है और अब इसमें नमक डालेंगे। ये जैसा भी आपका टेस्ट है आप उसके हिसाब से नमक डाल सकते हैं। नमक और मिर्च और कुछ गर्म मसाला डालो। और ये देखिए, मैंने ब्लैक पेपर थोड़ा डाल लिया है। डाला नहीं इसमें, हो गया। ये गरम मसाला है, ये हमारा गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। मैं इसकी भी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। और ये आपका मिक्स रेडी है। अब इसको आप पानी में इसका थोड़ा सा घोल टाइप का बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए ताकि इसमें वो लम्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो आपके ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके लम्स को आपको अच्छे से निकाल लेना है ताकि ये आपका एक फाइन पेस्ट बन जाए। और ये
बहुत अच्छा सा आपको घोल रेडी कर लेना है। इसमें हम अपने फिश को डिप करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। सारे लम्स को तोड़ते हुए आप इसको अच्छे से बनाइए। बहुत बढ़िया, ये देखिए ये घोल आपका रेडी है और बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसको आपको रखना होगा। अब जो नेक्स्ट चीज हम इसके अलावा, देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का आपका घोल दिखेगा और इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला या जो भी मसाले आपको, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम तैयार करेंगे वो है कॉर्नफ्लेक्स। इसको हम हल्का हाथ से क्रश कर लेंगे ताकि इसकी हम ऊपर से, फिश के ऊपर से कोटिंग करने के लिए ये काम आता है। कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए और इसको बस आपको हाथ से थोड़ा हल्का चूरा करना है ताकि फिश में एक क्रिस्पीनेस आ जाए। ठीक है, अब इसको हल्का चूरा बना के इसके ऊपर भी आप थोड़ा नमक डाल लीजिए, थोड़ा मिर्च डाल लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आपकी फिश की फाइनल कोटिंग हो जाएगी ताकि फिश में क्रिस्पीनेस आ जाए। ये दोनों चीजें हमारी अब रेडी हो गई। अब ये देखिए इसको, फिश को जो हमने आटा लगा के रखा था इसको हम अच्छे से मल के धो लेंगे। जो रेड पार्ट है इसको निकाल दीजिए अच्छे से और बाकी जो भी फिश की वो है इसमें अच्छे से महक महक सब निकल जाती है। जब आप आटा लगा के रखते हैं तो इसको अच्छे से मल के दो चार बार धो लीजिए। और ये तुमने जो मेरा कुकर का बर्तन है फिश धोने के लिए इस्तेमाल किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं चलो माफ कर दे रही हूँ, कोई बात नहीं के लिए, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा बर्तन है। फिश ज्यादा है ना और गहरा बर्तन अच्छा घुलेगा ना सही। हाँ, लेकिन तसले में धो सकते थे, कोई इतना नहीं आएगा वहाँ। पहले दो दो चार चार बना के कॉपर का जो मेरा वेसल है ये मुझे काफी पसंद है, इसमें बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। लेकिन एनीवेज आज मैंने इसको दिल पे हाथ रख दिए, बहुत दिल पे हाथ रख के मैंने फिश धोने के लिए ले लिया है, कोई बात नहीं। देखिए ये फिश, अब देखिए इसमें से साफ पानी निकलने लगा है। दो चार बार इसको अच्छे से धो लीजिए ताकि आटा पूरा निकल जाए और फिश भी अच्छे से धुल जाए। देखिए कितनी क्लीन हो गई है, कितनी, क्योंकि ये वेंडर ने काटा वाटा सब निकाल के दिया था और उसकी स्किन भी साफ कर दी थी, तो ये वैसे ही काफ़ी क्लीन है और वैसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। इसको बस हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे एंड देन अपना फिश फ्राई करेंगे। अब इस फिश में हम जो है थोड़ा नींबू का जूस डाल के इसको मैरिनेट करेंगे और वैसे ही नमक और मिर्च इसमें डालेंगे। वेरी गुड, नमक भी डालो और नींबू का जूस, नमक, मिर्च इसको डाल के अच्छे से मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए ये फिश में नमक और नींबू लगा के रख दिया है, वैसे ये आपको इसमें मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इसमें नींबू, नमक, मिर्च अच्छे से लगा के अब ये थोड़ी देर मैरिनेट होगा, मे बी 15 मिनट या आधा घंटा इसको मैरिनेट करने रख दीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। और ये देखिए ये जो है हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं फॉर फिश फ्राई। इसमें हमने
ये हमारी बहुत ही अच्छी पीतल की देखिए कढ़ाई है, इसमें कलई की हुई है और इसमें हम सरसों का तेल यूज करते हैं फॉर हेल्दी कुकिंग। तो लेकिन सरसों के तेल को जैसा आपको पता है कि काफी देर तक उसे वो करना पड़ता है, और जो हमारी चांदनी जी हैं ये रोती हैं जितनी देर भी ये बेचारा गर्म होता है। तो इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम लोग फिश फ्राई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम लोग जो है एक अच्छी सी हरी चटनी बनाएंगे फिश फ्राई के लिए। इसमें हमने हरे धनिया पत्ती ले लिए, अब इसमें हम एक टमाटर डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और ये काफी चटनी आप इसको फ्रेश ही बनाएं, क्योंकि जब ये फ्रेश बनती है तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। और रखी हुई चटनी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं एक दिन के बाद भी उसे नहीं खाना पसंद करती हूँ बिल्कुल। इसमें डाल दिया है नमक चन्नी जी ने, थोड़ा अब इसमें हरी मिर्च पड़ेगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेश हरे धनिए की चटनी से अच्छा मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है खाने लायक, कोई भी चीज फ्रेश चटनी से अच्छी नहीं होती है। तो इसको और क्योंकि इस जिसमें कि हमारी चटनी पीसते हैं, दिखा दो जरा सा। और ये देखिए क्या कलर है इसका, इसका कलर इज जस्ट सो ऑसम, ऐसा लगता है इसको ऐसे ही खा जाओ। देखिए दोस्तों ये हमारी तैयारी हो गई है अब फिश बनाने की। ये फिश के पीसेस को हम ये जो हमने घोल बनाया था मैदे का और कॉर्नफ्लोर का इसमें हम डिप करेंगे। और हमने इधर कढ़ाई भी रेडी कर ली है, ये देखिए कितनी खूबसूरत कढ़ाई है। और ये फिश जो है जो मैरिनेट होने रखी थी, और ये हमारे फिश के पीसेस हैं जो उसमें करके इसके ऊपर हमें कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लेक्स जो हमने बनाए थे उसको लपेट के इसमें डाल दिया है हॉट ऑयल में। और ये थोड़ा स्लो पे डालेंगे ताकि थोड़ा स्लो या थोड़ा मीडियम पे ताकि फिश जो है अच्छे से पक जाए। ठीक है तो ये जो आपके पीसेस हैं इनको इसमें लपेट के एंड देन आप कोटिंग करके विद कॉर्नफ्लेक्स मसाला कॉर्नफ्लेक्स इसमें आप अच्छे से इसमें डाल दीजिए। ये देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में उससे ज्यादा लजीज होने वाले हैं। बस फोर फाइव इसमें डाल दीजिए एक बार में, जितनी भी आपकी कढ़ाई का साइज है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए स्लोली स्लोली इसको पकने दीजिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही इसको बनाइए। और फिश क्योंकि हम पहले से बना के उसमें कुछ प्रिपरेशन करके नहीं रखते हैं तो वो जितनी भी देर पकेगी वो ये सिर्फ ऑयल में ही पकेगी। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको मैं ऊपर से दिखाऊं, जरा हॉट ऑयल है तो दूर ही रहना चाहिए इससे। और ये देखिए इसको हल्के से आप पलट सकते हैं, थोड़ी देर हो गई है अब इसको हल्के से पलट लीजिए, ध्यान रखते हुए कि जो इस पर हमने कॉर्नफ्लेक्स की वो आउटर कवरिंग करी थी वो निकल ना जाए, करते हुए हल्के से हल्के हाथ से इनको पलट लीजिए।
ये देखिए, ये अब हमारे जो ये फिश पकोड़ाज हैं या फिश फ्राई या कुरकुरे, फिश कुरकुरे जो भी कहना चाहें आप इन्हें, ये जो हैं अब रेडी हो रहे हैं। अच्छा सा कलर आ गया इनमें, थोड़ा सा रेड और कर लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं। अब इनको आप अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, तेल अच्छे से इनको निकाल दीजिए इसका तेल। और ये आपने गिरा दिया है, और ये देखिए अब इसको हम जो हैं जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो हम बस टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे और वापस नए उसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं उससे ज्यादा ये यमी हैं। और इनको हम थोड़ी फ्रेश धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए तो ये आपके फ्रेश फिश पकोड़ाज और फिश कुरकुराज ये आपके रेडी हैं। अब हम इनको एंजॉय करते हैं, और आप इनको बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू।